भगवान बुद्ध राजगीर में रह रहे थे। वहां के राजा एक सेठ एक चंदन का हीरा मोती जवाहरात जान करके कप बनाया, प्याला बनाया। उस प्याले को एक खम्भा के ऊपर रख दिया, 15-20 फीट ऊपर खम्भा बनाया, उस पर रख दिया हीरा मोती जड़ करके, उसमें शराब रख दिया। अब कह दिया कि जो भी व्यक्ति इसको इस खम्भे से इस प्याला को उतार देगा बिना छुए बिना स्पर्श किए, वो जो कहेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी की जाएगी। बहुत तांत्रिक मांत्रिक दौड़ने लगे कि भाई चलो बहुत मुँह मांगा इनाम मिलेगा, जो कहेंगे कामना पूरा करेगा, बहुत दौड़ने लगे। भगवान बुद्ध राजगीर में ठहरे हुए थे, उनका एक शिष्य महाकश्यप भी था, सुना होगा। महाकश्यप भी गुरु के दर्शन में उस राज्य में आ गया था। तब तक से सुना कि ऐसे ऐसे यहाँ पर राज्य में ढिढोरा पीट रहा है, कोई यह उतार देगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्यों न हम भी यह चल के उतार ही दें और इससे हमारी ख्याति भी फैल जाएगी और हमारी बात फैल जाएगी, धर्म प्रचार में आसान होगा। तुम लोग भी कहते हो कुछ चमत्कार होगा तब ना धर्म प्रचार होगा, यही कहता है ना। पड़ जाएगा चक्कर में, सबसे बड़ा चमत्कार मारिच तो कर रहा था, प्रचार हो रहा है, सोने का मिर्गा बन गया, काल ने भी चमत्कार कर रहा था, आसुरी वृत्तियां चमत्कार करती है, राम तो कोई चमत्कार नहीं किया न सीता की। तब वह महाकश्यप गया उस सभा में, जयकार मच रहा था। महाकश्यप वृद्ध थे, ब्राह्मण थे, विद्वान भी थे। कप के तरफ प्याले की तरफ देखे, कहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चिटकी बजाए, 3 बार बोले आ जाओ। कप उठ करके आ गया कश्यप के नजदीक, आ जाएगा ना। अब कश्यप की जयकार मच गई, पूरे राज्य में धूम मच गया, सिद्ध महात्मा आ गया, सिद्ध आ गया, सिद्ध आ गया। बहुत भीड़ मच गई, कोहराम मच गया कश्यप को देखने के लिए, दर्शन के लिए। उसी में उस भीड़ से छटते हुए मेरे संतोष जी भी गए बुद्ध से मिलने, दंड प्रणाम किए, कहे कि भगवान आपकी महिमा बड़ी विचित्र है। कहा क्या बात है, आपका एक शिष्य ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि इस नगर में कोहराम मच गया है, कौन है? महाकश्यप आपका शिष्य, बोला कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, वृद्ध है, इसका शिष्य इतना बड़ा चमत्कारी, गुरु कितना बड़ा चमत्कारी हो सकता है? कहा गुरु तो कुछ चमत्कार नहीं जानता है। कहा आपका शिष्य तो एकदम हाथ में इशारा किया, आ जाओ, कब आ गया, भगवान आप क्या कर सकते हैं? कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कहाँ है कश्यप? वहाँ वही नगर में वहीं सेठ किया है, भीड़ लगी है, सारे पत्रकार वहीं जुटे हैं, मीडिया वहीं जुटी है, सब टेलीविजन पर उसी का न्यूज आ रहा है। कहा अच्छा, और बुद्ध उठे और तेजी से चल दिए, गाड़ी घोड़ा थी नहीं कि ड्राइविंग बुलावे, और उनके साथ साथ सारे शिष्य पीछे दौड़ चले। बुद्ध बड़े तेज चलते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि। और जहाँ पहुँचे वहाँ कश्यप बैठे हुए थे, भीड़ छट गई। बुद्ध जब पहुँचे आगे, भीड़ छटेगी ना, अब तो भगवान बुद्ध आ गए। महाकश्यप देखा कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, बड़ा असमंजस में पड़ा, मैं तो उनके दर्शन के लिए जा रहा था, वो आ गए मेरे दर्शन के लिए। महाकश्यप दौड़ा और साष्टांग प्रणाम कर गया पैर पर, लेकिन बुद्ध आशीर्वाद नहीं दिए। कश्यप तुमसे ऐसी कामना नहीं थी,
दो पैसे के मदारी का काम करेगा तू? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमको तो मैं अपना प्रतिरूप बनाया था। और तेजी से आगे बढ़े, कप रखा हुआ है हीरा मोती जवाहरात रटा हुआ लाखों का कीमत, और भगवान बुद्ध अपने पैर से मारे, धाम धाम वह कप टूटकर धाम से छितर बितर कर भीगा गया। मारे पैर से, जूता तो पहनते नहीं थे लेकिन नंगे पैर चलते चलते पैर मजबूत हो गया था, शायद राजकुमार थे लेकिन पैर तो मजबूत हो गया था। पैर वह लकड़ी टूट भिट गई, मारे पैर से फेंका गया दूर। चलो मेरे साथ, और मैं आज सबको कह देता हूं, अपने सारे शिष्यों को, आज के बाद इस तरह का कोई चमत्कार किया तो आज के बाद यह धर्म का सारा रहस्य मैं बंद कर दूंगा सदा के लिए इस पृथ्वी पर। तुम धर्म जानना नहीं चाहते हो, तू आत्मा परमात्मा को जानना नहीं चाहते हो, धर्म से तुझे दूर दूर संबंध नहीं है, तुझे नाटक और नौटंकी से संबंध है, तुम्हें तो एक जादूगरी से संबंध है। यह जादूगरी तुम्हारे आत्मा परमात्मा से मिलने में घोर बाधक है। अब सुनते हैं कश्यप, तुम तो लड़ जाएगा, नहीं मैं जाता, मैं तुझे गुरु नहीं मानता, लड़ जाएगा ना, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेगा। लेकिन महाकश्यप का सिर नीचे झुका, फिर उठा नहीं और कह दिया कि भगवान मैं अब आपका प्रचार करने निकल रहा हूं, जो गलती हो गई उसके प्रायश्चित करना मेरा कर्तव्य होता है। और पुनः कश्यप मुंह नहीं खोला, इस तरह से जादूगरी में मुंह नहीं खोला। यह प्रकृति चाहती है कि तुम कहो वह कर दे, तुम कुछ सोचो वह कर दे, चाहती है। और तुम भी उसी को प्रोत्साहित करेगा फिर बदले में लेगी, इसलिए मौनम। संसार जिस तरह से चलता है चलने दो, संसार अपने गति से चलता है, संसार को चलाता है कोई चलाने वाला बैठा है, तुम उसको चलाने में व्यवधान उत्पन्न क्यों कर रहे हो? तुम उस परम पुरुष के सानिध्य में आना चाहते हो, आओ। वह परम पुरुष परम चैतन्य है, यह हमारे गुरुजी ने यह बताया, लेसन दिया, ठीक दिया था, तुम लोगों को भी मैं दे दिया। इसलिए गुप्ते जोग प्रकटे भाण, तुम जितने ही उस विद्या के तंत्र गहराई में डूबो उतने ही गुप्त होते जाओ, गुप्त होते जाओ, गुप्त। इस संसार में लोग समझे कि तुमको जानता ही नहीं है, जो नहीं जानता है देखता है क्या क्या आपने को लिखता है, अपना सरनेम प्रातः स्मरणीय क्या 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 1008 108 क्या क्या, उसका नाम ही नहीं पता चलता है, कहाँ चलता है पता ना, हम तो पढ़ते पढ़ते कभी थक जाते हैं, भूल जाते हैं फिर नाम। इसलिए अपने प्रति सावधान हो जाओ, कभी मत चक्कर में पड़ो किसका यह हो जाओ, उसका वह हो जाओ, उसका हुआ हो जाए। और जो हम बता रहे हैं स्वर युग, इसलिए बताया जा रहा है तुम अपने उसके रास्ते में जो चल रहे हो, व्यवधान जो आए उससे अपने योग के लिए, परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए जो व्यवधान आ रहा है, उन शक्तियों से निपटते हुए आगे बढ़ते चलो, न कि संसार में इस तरह से कहो आओ कप आ जा, आ जा, आ जा। उस कप के आ जाने नहीं आ जाने से क्या काम मतलब है? बिजली जो है वहां से एक बटन दबाने से बुझ सकती है, तो यहां से कहो बुझ जाओ, बुझ जाओ। लॉस ऑफ एनर्जी कोई जरूरी है?
कबीर साहब को कहना पड़ा कि जोगी हुआ तो क्या हुआ, चिल को हुआ जैसे मर रहा है। गोरख पर उन्होंने टंट किया था उस समय, जानते हो ना गोरखनाथ आकाश मार्ग से चलते थे। कहा कि क्या हुआ जोगी, हुआ तो हुआ, तुम्हारी जोगी तो यही है कि जैसे चील और कौवा आकाश में उड़ते हैं तुम भी उड़ रहे हो। तो क्या चील और कौवा, चील को जानता है ना, चील शब्द कहे, चील और कौवा, चील आकाश में जितना ऊपर उड़ता है लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है जानता है? पृथ्वी पर उसका ध्यान मांस के टुकड़े पर रहता है। आकाश में उड़ रहा है, कौवा का ध्यान कहाँ रहता है? कौवा का ध्यान बिस्टे पर रहता है, चाहे आकाश में कितना ऊपर उड़े। तो इसी तरह से तुम्हारी वह योग साधना क्या कीमत हुआ? आकाश में तो उड़ने लगेगा लेकिन ध्यान तुम्हारा केंद्रित कहां है? इसलिए अपने को केंद्रीभूत करना है। गुरु तत्व से लेकर गोविंद तत्व तक, और जब तक से तुम अपने को यहां से केंद्रीभूत नहीं करता है तब तक से तुम चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो जा कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक सिद्ध और नाम तुम श्लोक सुना होगा, गर्ग संहिता चलता है, सुना है ना गर्ग संहिता? आज भी गर्ग संहिता से लोग ज्योतिष का निवारण करते हैं। उस गर्ग को बुलाए थे, इसी के कहने के बाद अपनी बारी को विश्राम मैं दूंगा आज। ज्योतिष के बारे में, चमत्कार के बारे में जब बात होने लगी, नंद बाबा बुलाए थे कि अपने लड़के के नामकरण के लिए गर्ग को। गर्ग ज्योतिषाचार्य हैं, कंस के गुरु हैं, यदुवंशियों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, कुल गुरु भी हैं। नंद ग्वाले का कैसे नामकरण करेंगे? करेंगे राजगुरु का एक अपना ओहदा होता है। नंद गोप हैं, इसलिए उन्होंने, नंद ने कहा कि हम प्रभु हमारे लड़के का नामकरण आइए कर दीजिए, मैं 1000 गोदान दूंगा। 1000 गोदान पर कहे कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तू लोग बिना दक्षिणा को बुलाना चाहेगा, कैलाश तो कैसे जाएगा? कहा जी आचार्य संतोष जी यहां जग कर रहा है, तुम कहे कि हम देंगे, चलो रोज देंगे 1,00,000 रुपया, तो कहे कि ठीक है चल रहा हूं तुम्हारे यहां। है ना, नंद जी कह दिए कि 1000 गौ में दान देंगे, चले गए। जब उसको कहे कि तुम तो गोप हो, कहाँ हम बैठे गौशाला में, अपना आसन लगाए, कृष्ण को लाया गया, कृष्ण का रेखा उखा देखे, हाथ मुंह देखे, जन्म का तिथि मुहूर्त देखे, कहे कि यार लड़का तो बड़ा भाग्यशाली मालूम हो रहा है, ये तो लाखों लाख गाय चराएगा, एक साथ लाखों गाय चराएगा, बहुत शुभ लक्षण का है, राजा बनने का कैसे कहते, कंस है राजा है ही, लाखों लाख गाय चराएगा, तुम्हारा भाग्य बदल देगा। इसका नाम सबको अपने तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। बड़े भाई का भी नामकरण था, उनको भी देखे वो किए, कहे अरे ये तो बहुत शक्तिशाली होगा, बल बल इसमें भी निवास करेगा, इसलिए नाम इसका बलराम होगा। मेरा नाम नीरज कुमार चौहान है, मैं जलंधर से हूँ। स्वर साधना की कक्षा के लिए मुझे मैगजीन से पता चला और इसका सेपरेटली अलग से दिल्ली से मैसेज मिला फोन पे। ये वाकई में एक दिव्य और अद्भुत साधना की कक्षा थी। जब जब भी समय के पूर्ण सदगुरु इस धरती पर आते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो मुझ जैसे कच्चे साधक भी इतनी दुरुह और दिव्य साधना में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये केवल और केवल गुरुदेव का ही प्रताप और आशीर्वाद है कि मैं ये साधना उत्तीर्ण कर पाया। इसमें कोई शक नहीं, ये साधना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। शुरुआती 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल हुई। योग में छोटी सी बात बोली जाती है अथ स्थिर आसनम,
इसी बात को सिद्ध करने में बहुत मेहनत लगी। गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर बरसता रहा, फिर धीरे धीरे हम सक्षम होते गए। साथ ही साथ हमें प्राणायाम, योग, तांडव और भी बहुत सी क्रियाएं, मुद्राएं और साधनाएं सिखाई गई, जिससे हमारा हौसला और बढ़ गया। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने हमें प्राण को देखने का आदेश दिया। गुरु की कृपावश मुझे प्राण तत्व दिखा, प्राण के कलर भी दिखे। हमें तत्व साधना कराई गई, उन्हें भी हमने साक्षी भाव से देखा। स्पष्ट प्राण के ऊपर नीला रंग, हरा रंग और सफेद रंग भी दिखा। टाइम टू टाइम गुरुदेव ने तांडव की प्रक्रिया के द्वारा हमें शरीर छोड़ने का आदेश दिया। मैं शरीर छोड़कर सीधा कैलाश पर्वत पर था और मेरे सामने भगवान शिव तांडव कर रहे थे। गुरुदेव के आदेश अनुसार मैंने अपनी लाश को देखा, लेकिन वो लाश एक सुंदर और एक जवान लाश थी। उसके बाद मैंने वापस शरीर में प्रवेश किया। यह एक दिव्य अनुभव था। ऐसा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस पूरी पृथ्वी पर और किसी भी साधना से हो सकता है। केवल और केवल समय के पूर्ण सदगुरु की जब आप पर कृपा हो, जब उनका आशीर्वाद बरसे, तभी ऐसी साधनाओं से आप गुजरते हैं, आप स्वर्ग का दर्शन करते हैं और ऐसी ऐसी अद्भुत उपलब्धियों को प्राप्त होते हैं। गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे स्वर्णिम अवसर मिला गुरुदेव के सर की क्लास में बैठने का नवरात्रि के अवसर पर। गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। प्रथम दिन जब हम साधना प्रारंभ कर रहे थे तो हमें बैठने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे गुरु भाइयों की सबकी यह सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। गौरी माँ ने हमें कई योग सिखाए, स्ट्रेचिंग बताई, जिससे हमें अधिक समय तक बैठ पाने, साधना की कई तकनीकें बताई उन्होंने, जिससे हमें अपने ध्यान लगाने में बहुत मदद मिली। इसके लिए गौरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है। सेकेंड दिवस जब गुरुदेव ने हमें ध्यान की कई गुप्त तकनीकें बताई, तांडव कराया, कई गुप्त साधनाएं, सक्रिय साधना कराई, तो हमारा जो अनुभव था वो कहने ऐसी अनुभूति करने के लिए तथाकथित साधु लोग कई साल बिता देते हैं, कई करोड़ों रुपए खर्चे करने को तैयार हैं, कोई नहीं पा पाता है। हमारी तो इतनी क्षमता नहीं थी कि हम 6 दिन में ऐसा अनुभव कर पाते। सिर्फ गुरु जी की कृपा थी कि हमने ऐसा अनुभव किया और हमने स्वर देखा, साधनाओं को समझा। ऐसा कर पाना सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है, और कोई नहीं करा सकता ऐसा। ऐसे गुरुदेव मुझे मिले हैं, मैं कृतार्थ हूँ गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ तो हुई हैं, एक साधारण आदमी में आम कमियाँ भी रहती हैं, जैसे कि बात बात पर दुखी होना, गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन आना, ये सब भी मुझ में था, उसमें भी कमी आई इन 6 दिनों में। गुरुदेव ने इतनी कृपा की कि आज मैं गुरुदेव की कृपा के कारण अपने आप को साधारण तो नहीं समझता, आज मैं अपने आप को स्पेशल महसूस कर रहा हूँ सिर्फ गुरुदेव के प्रेम के कारण। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद है। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्वर साधना में और आगे बढ़ूँ और सद्वीप समाज सेवा के कार्य को और आगे बढ़ाऊँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कुंभ नगरी उज्जैन में 12 से 22 मई तक प्रवास करेंगे। कुंभ मेला में स्वामी जी के पावन सानिध्य में ध्यान साधना, यज्ञ, आशीर्वचन एवं दीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना निबंधन पूर्व में ही करा लें।